हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का मेरे चैनल प्रिया रियल लाइफ स्टाइल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। तो इसमें क्या क्या लगेगा और कैसे कैसे बनाते हैं, तो चलिए आज आपको बना के मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ कढ़ी पकौड़ा। तो ये हमने देखिए बेसन ले लिया है, और बेसन में हमने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और पानी डाल के, और इसको अच्छे से चम्मच के सहारे से या हाथ से, चाहे जैसे आपको मिक्स करना है आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। बहुत ही अच्छे से मिक्स करिएगा, क्योंकि नहीं तो पकौड़े जो है ना वो अच्छे से नहीं फूल पाते हैं। और ये देखिए हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल को हम खूब अच्छे से गर्म होने देते हैं, और ये जब हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ये जो बेसन का घोल तैयार करके रखे हैं इसको हम डालेंगे। तो ये देखिए हमारा जो है कढ़ाई अच्छे से गर्म हो रहा है, थोड़ा सा और इसको हम मिला लेते हैं। ये जितना मिलाएंगे आप, इसको जितना फेंटेंगे, जितना अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, उतना ही बढ़िया पकौड़ा बनेगा। तो ये देखिए हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं बेसन जो हम घोल के रखे हैं, इसको हम छोटे छोटे सी पकौड़ी सी बना लेते हैं। ये देखिए सारे बेसन को हम इसी तरह से छोटा छोटा सा पकौड़ी की तरीके इसको इसमें डाल देते हैं। ये देखिए सारे ऐसे ही हम डाल देंगे पकौड़ी, और फिर जाके ये सब सब डाल के उसके बाद जाके चारों तरफ से इसको अच्छे से सेंक लेंगे, और तब एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारे जो है ना अपने पकौड़े को डाल दिया है। अब इसको हम सब अलट पलट करके इसको अच्छे से सेंक लेंगे। ये सारे पकौड़े हम सेक लिए हैं, और उसी कटोरा में जिसमें हमने बेसन घोला था उसी में थोड़ा सा ये हमने ले लिया है फिर से बेसन, और उसमें हम वो कढ़ी के लिए हमने ले लिया है। अब ये जब तक ले हमारा ये भी तैयार हो रहा है बड़ी पकौड़ी, जब ये पकौड़े हमारा तैयार हो जाएगा तो फिर आदर्श जो हैं उनके लिए थोड़ा सा हम बाजार वाली जो ये पापड़ आती हैं वहीं थोड़ा सा उनके लिए हम तल लेंगे। वो बोले मम्मी मेरे लिए तल दो थोड़ा सा, तो उनके लिए हम थोड़ा सा इसी तेल में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे उसे। ये देखिए हमने बड़ी निकाल लिया है अपने पकौड़े, पकौड़े अपने निकाल लिए हैं, और फिर जाके और देखिए इसी में हम जो पापड़ है कचरी उसको भी डाल के थोड़ा सा दो चार और उसे भी फ्राई करके उन्हें दे देते हैं। और तब जाके हम इस बेसन को जो हम निकाल के रखे हैं इसमें आप दही दही डालिए या मट्ठा डालिए, हमने तो मट्ठा ही डाला है, बहुत जगह इसको छाछ भी बोलते हैं। और ये देखिए हमारे सीख गए हैं ये देखिए हमने आदर से लिए सीख लिए हैं। और ये सॉरी कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास अभी उतना नहीं हो पाता है, तो जब मुझे टाइम मिलेगा जब तब मैं बनाऊँगी ब्लॉग। और ये देखिए तब तक से हमने इसमें तड़के के लिए डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा हींग, और ये उसमें तब तक ले हम बेसन में जो है मट्ठा डाल के और उसको भी घोल लेते हैं, और उसको अच्छे से घोल के तब तक ले हमारा जीरा और तड़का हमारा जब तक तैयार हो जाएगा फिर इसमें हम अपनी कढ़ी जो है छोंक देंगे। ये हमने मट्ठा डाल के और उसको घोल लिया है।
ये देखिए हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हींग। अभी हम दे कढ़ी छोंक लेते हैं अपने। अभी ये देखिए, अब फिर इसको हम धो के पानी इसको डाल देंगे इसमें। और ये देखें, हमने पानी भी डाल दिया है और इसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे, चलाते हुए पकाएंगे और तेज़ आंच पे, नहीं तो ये हमारी जो कढ़ी है वो फट जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको हम अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे जब तक लेक उबाल ना आ जाए। और देखिए, इसमें हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। ये हमने लाल मिर्च डाल लिया। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हमारे जो वीडियो हैं आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों की सहायता की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो ये देखें, हमने सारे मसाले जो हैं डाल दिए हैं। अब इसको हम धीरे धीरे से चलाएंगे और चलाते हुए इसको पकाएंगे। ये देखिए, ये कितने बढ़िया से मिल रहा है, सब मिक्स हो रहा है। और ये जो है, देखिए हमारी कढ़ी जो है कितनी पक चुकी है। हमारा ये कढ़ाई थे भरी हुई थी। इसको धीरे धीरे हमने करीबन आधे घंटे तक पकाया है। कढ़ी जितनी अच्छी पकेगी उतना ही बढ़िया लगेगा, क्योंकि ज़्यादा जल्दी उतार देने से फिर ये अच्छे से पक नहीं पाती है। तो फिर तबीयत खाने के बाद तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है, इसलिए इसको अच्छे से पकाइएगा। और ये देखिए, हमने बड़ी जो तैयार करके रखा था इसको, ये देखिए ये सारे बड़ी हैं पकौड़े। इस पकौड़े को हम कढ़ी में डाल देंगे अपने। कढ़ी जो है हमने करीबन आधे घंटे तक पका लिया है और इसमें हम ये पकौड़े डाल देते हैं। पकौड़े डाल के भी हम 10-15 मिनट पकाएंगे इसको अच्छे से। ये देखिए, इसको हम अच्छे से पका लेते हैं। और ये प्लीज़ कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए हमारी कढ़ी जो है कितनी अच्छे से उबल रही है, पक रही है। अभी हम ये कढ़ी हमारी जो है अब अच्छे से पक रही है। ये जब हमारे अच्छे से पक जाए तब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे इसको। तो ये देखिए कैसी बनी हमारी कढ़ी, ज़रूर बताइएगा। और आ जाइए आप सब भी खाने के लिए कढ़ी पकौड़ा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का यहीं तक था। तो टाटा बाय बाय, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।